गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। सो दिस इज पार्ट नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज 1.2 बेस्ड ऑन द टॉपिक टाइप्स ऑफ फंक्शंस। द टॉपिक नेम इज टाइप्स ऑफ फंक्शंस और उसके अंदर ब्रॉड कैटेगरी में हमने दो कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस सीखी हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज वन वन एंड मैनी वन, सेकेंड कैटेगरी इज ऑन टू एंड इन टू। और इसके हमने छह क्वेश्चंस इन द फर्स्ट सेशन यानी यस्टरडे कवर किए। आज सेकेंड सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले हैं। Okay, let's read the question. Question number 7 is, in each of the following cases, state whether the function is a one-one, onto or bijective. बताएं कि क्या तो ये one-one function है, या फिर ये onto function है, या फिर ये bijective function. Bijective function means both one-one and onto है या नहीं है. Let's take first case. देखो function defined है, domain भी R है, codomain भी R है, और function defined है कुछ इस तरीके से. चलो start करते हैं, check करते हैं कि ये one-one है या नहीं है. Okay, here the function f is defined as, here the function f defined from real to real, as the function mapped from real to real is defined as ye mapping ki gayi hai r to r, aur define kaise kiya gaya hai usko, fx barabar 3 minus 4x. This is the definition of function. अब वही इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी चेक करनी है अपने को, उससे पहले मैपिंग करनी है, अपने माइंड में फिक्स करना है जैसे कल किया था। तो लेट अस से देयर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड देयर इज एन अनदर सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल रियल, और ये फंक्शन है फ्रॉम डोमेन रियल टू कोडोमेन रियल। तो कुछ रियल नंबर्स ले लेते हैं जैसे कि -1, 0, 1, 2, 3, 1/2, 3/4, -2/7 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इधर भी सेम वही -2, -1, 0, 1, 2, 2.5 या फिर 5/2, 3, 7/6 एक्सेट्रा। ठीक है, सारे रियल नंबर्स ले लिए हमने। अब सपोज करो मैं 1 की मैपिंग करना चाह रहा हूं, तो 1 पुट अप करो, 3 - 4 × 1 क्या होता है 4, और 3 - 4 क्या हो जाएगा -1। तो 1 की मैपिंग इजीली -1 से हो पा रही है। ठीक है, कुछ और करके देखो, जैसे 3 की मैपिंग करते हैं तो 4 × 3 = 12, 3 - 12 - 9, 3 की मैपिंग भी हो जाएगी। 0 की करके देखते हैं, 4 × 0 = 0, तो 0 की मैपिंग इजीली किससे हो रही है, 3 से हो रही है। अच्छा कुछ ऐसा नंबर ले लो जैसे कि 1/2 ले लो, x की वैल्यू ले लो 1/2, तो 4 × 1/2 = 2, 3 - 2 = 1, तो 1/2 की मैपिंग किससे हो रही है, 1 से हो रही है। तो इट इज क्लियर कि यहां पे आप जैसा भी x लोगे fx की वैल्यू यूनिक आएगी। आ सकती है डबल नहीं आ सकती, मतलब दो लोगों की एक आंसर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है ना। ये चीज क्लियर हो गई, दो तीन मैपिंग करके देखते हैं ना, उसी से चीज क्लियर होने लग जाती है। ठीक है, क्लियर है। तो अब ये मैपिंग आपको माइंड में कर लेनी है या रफली कर लेनी है। अब एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में मैपिंग नहीं करनी है, एग्जाम में सीधे स्टार्ट करना है इंजेक्टिविटी। श्योर तो हो ही गए कि ये क्या होगा, 1-1 होगा, और 1-1 होने के लिए प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, वर्बल स्टेटमेंट्स। तो लेते हैं फॉर एनी टू x1, x2 बिलोंग टू डोमेन R। देखो कई बच्चे यहाँ पे सिंपली R लिख देते हैं, तो R फिर कंफ्यूजिंग हो जाता है कि ये डोमेन वाला R लिया है कि को डोमेन वाला R लिया है। फाइन, तो आपको क्लियर कट लिखना है डोमेन R। ओके, इन केस मान लो दो अलग अलग सेट है तो चलो आप डोमेन को डोमेन नहीं भी बोले, ए भी बोलते हैं, ए और बी, लेकिन जब दोनों ही सेम है तो आपको बताना है कि ये डोमेन वाला आ रहा है। ठीक है, नाउ लेट अस अज्यूम दैट कि fx1 = fx2 है, ये अज्यूम करते हैं। दैट इज fx1 बोलो क्या होगा, जब fx3 - 4x है तो fx1 क्या हो जाएगा, 3 - 4x1, और fx2 क्या हो जाएगा, 3 - 4x2। ये इजीली 3 से 3 कट के क्या हो जाएगा, -4x1 = -4x2, एंड नेक्स्ट स्टेप में -4 से -4 कट के भी क्या बच जाएगा, x1 = x2। तो क्या हुआ, fx1 = fx2 अजम्पशन करने से x1 = x2 प्रूव हो रहा है। हेंस सो द गिवन फंक्शन f इज 1-1, गिवन फंक्शन f is 1। हो गई इंजेक्टिविटी पास, अब चलते हैं सर्जेक्टिविटी। सर्जेक्टिविटी
अब सर्च एक्टिविटी के लिए वापस एक बार मैपिंग से अपने आप को विश्वास दिलाएंगे कि सर्च एक्टिव है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे कोई भी रियल नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर होगा, वो किसी न किसी रियल नंबर का आंसर जरूर होगा। देखो मान लो इसकी मैं वैल्यू वाई मान लेता हूं, तो वाई कुछ भी रखो, इसकी वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू ले लेता हूँ वाई, तो वाई कोई भी रियल नंबर रख दें और उस इक्वेशन को सॉल्व कर दें तो एक्स एक रियल नंबर आंसर है ना मौजूद। जैसे y लिख दिया मैंने 1.2 लेट अस से, तो 1.2 इक्वल टू 3 माइनस 4x, इस इक्वेशन को सॉल्व करके x नहीं निकाल सकते कि रियल वैल्यू। दैट मींस y कोई भी रियल नंबर ले लें तो उसके पीछे x रियल प्री इमेज x रियल नंबर मौजूद है। दैट मींस सब्जेक्टिव, अपने आप को विश्वास दिला लिया। अब एग्जाम में कैसे करना है, सबसे पहले तो अपने को फंक्शन लिखना है। फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स, मतलब फंक्शन को y का नाम दे देना है, और फंक्शन है कैसा यहाँ पे 3 माइनस 4x। नाउ अब y एज ए फंक्शन ऑफ x है ना, क्या करोगे, उल्टा करोगे, x एज ए फंक्शन ऑफ y में लिखने की कोशिश करोगे। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, 4x इक्वल टू, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, 3 माइनस y, और x इक्वल टू 3 माइनस y/4। ये मैंने x एज ए फंक्शन ऑफ y लिख दिया, लिख दिया। नाउ फॉर एनी y वी हैव x, y कोई भी रियल नंबर रखते जाओ, कोई भी एनी रियल नंबर, आपको x एक रियल नंबर मिलती चली जाएगी। तो मैं क्या लिखूंगा, नाउ फॉर ऑल y बिलोंग टू कोडोमेन R, देयर एग्जिस्ट एन x belong to domain R such that, फिर मैंने आपको एक तरीका बताया था। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पे, अपने को कोडोमेन और रेंज इक्वल करनी है, तो कोडोमेन को y से डिनोट कराते हैं, रेंज को fx से डिनोट कराते हैं। तो सच दैट, अब मैंने यहाँ लिख दिया रेंज, रेंज क्या लिख दी मैंने, fx, x की वैल्यू क्या निकाली आपने इन टर्म्स ऑफ y, क्या निकाली बोलो, f ऑफ x की वैल्यू क्या निकाली है, 3 माइनस y/4, ये वैल्यू निकाली है, इक्वल टू, अब अगर एफ एक्स है 3 माइनस 4x, तो इस x की जगह ये वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी 3 माइनस y/4, इस x की जगह ये वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। तो फंक्शन कैसे ट्रीट होगा, 3 माइनस 4 x की जगह मैंने क्या पुटअप कर दिया, 3 माइनस y/4। इसको जब मैंने सोल्व किया तो देखो क्या हुआ, 4 से 4 कट गया, क्या बचा, 3 माइनस 3 माइनस y, और माइनस बार लगा हुआ है तो ये प्लस y हो जाएगा, तो 3 माइनस 3 कट के आंसर फाइनली y आ गया। तो आप चेक करो रेंज जो है, ये y जो है कोडोमेन होता है, मतलब कोडोमेन का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन आ गया, रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो रहा है। सो द गिवन फंक्शन, ये तरीका है सर्जेक्टिविटी प्रूव करने का। सो द गिवन फंक्शन इज ऑनटू, आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 1-1 है या ऑनटू है या बाइजेक, तो दोनों ही हो गया, तो लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट विल बी व्हाट, हेंस द गिवन फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव, फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव, हो गया काम, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलो इसका सेकेंड पार्ट इसी में मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, आप इधर ध्यान दो एंड यू विल डू इट एज होमवर्क। पहले का होमवर्क क्लियर है सारा, ओके। जो सेकेंड फंक्शन क्या है, इसमें चेंजेस कर देता हूं मैं इसी में ही, बोलो फंक्शन की डेफिनेशन गिवन है 1+x2। अब क्वाड्रेटिक में हमेशा डाउट किया करो, क्वाड्रेटिक में हमेशा क्या किया करो, डाउट किया ही करो, 1+x2। चलो पहले मैपिंग देखते हैं बेटा, तो कुछ वैल्यूज कंसिडर करते हैं। बोलो एक रियल वैल्यू लेनी है, लेट अस से मैंने एक्स की वैल्यू क्या ले ली, 0 ले ली, तो 0 का स्क्वायर 0, तो 0 की मैपिंग किससे हो गई, 1 से हो गई, ठीक है साहब, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेट अस से मैंने एक्स की वैल्यू 1 ले ली, तो 1 का स्क्वायर 1, 1+1 2, तो वाई की वैल्यू क्या हो गई, 2, यानी कि 1 लेने से 2 वैल्यू आ रही है, 1 लेने से 2 वैल्यू आ रही है। लेकिन जैसे मैंने -1 वैल्यू ली, तो -1 का स्क्वायर भी 1, तो 1+1 अगेन 2 वैल्यू आ रही है। तो यू कैन क्लियरली सी
कि वन एंड माइनस वन आपको सेम जो आंसर निकाल के दे रहा है, तो वन वन तो नहीं है। और क्वाड्रेटिक में मैंने क्या कहा, अक्सर वन वन नहीं होता है क्योंकि स्क्वायर दो लोगों के सेम हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अब जब ये नहीं प्रूव हो रहा है तो दो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, आइदर बाय वर्बल स्टेटमेंट्स, आइदर बाय क्रॉस एग्जांपल। अब हमने वर्बल स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो लेट अस प्रोसीड बाय वर्बल स्टेटमेंट ओनली, ताकि इसी में मॉडिफिकेशन करके कर लें। बाकी आप ये दो क्रॉस एग्जांपल ले सकते हो कि माइनस वन का भी आंसर टू आ रहा है, वन का आंसर भी टू आ रहा है, और माइनस वन और वन तो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, देयरफॉर इट इज नॉट वन वन, ठीक है। चलो अभी अपन वर्बल स्टेटमेंट से प्रोसीड करते हैं। तो देखो क्या क्या चेंजेस होंगे, fx1 की वैल्यू हो जाती है 1 plus x1 का स्क्वायर बोलो, और fx2 की वैल्यू हो जाती है 1 plus x2 का स्क्वायर। अगले स्टेप में 1 एंड 1 कट गया तो क्या बचा, x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। तो अगर x1 का स्क्वायर है, दो लोगों के स्क्वायर अगर सेम है तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी बताई थी कि या तो दोनों नंबर सेम है या फिर दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x1 इक्वल टू प्लस और माइनस x2, और अगर दो आंसर्स आ रहे हैं तो नॉट वन वन हो जाएगा, हो गया काम। ये तो हो गया पहली चीज को प्रूव करने का तरीका, नॉट वन इज नॉट वन, ओके ठीक है। दूसरा तरीका बता चुका हूं कि आप देखो आप क्या निकालो, हाँ क्रॉस एग्जाम्पल, एफ ऑफ माइनस वन आपने निकाला तो अभी प्रूव सॉल्व कर दो तो टू आ रहा है, एंड एफ ऑफ वन निकाला तो भी क्या रहा है, टू आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे, हेयर f of minus 1 इक्वल टू f of 1 आ रहा है, बट किसी भी हालत में माइनस वन और वन तो इक्वल है नहीं, देयरफॉर इट इज नॉट वन। ये क्रॉस एग्जांपल वाला तरीका, ओके चलते हैं सर्जेक्टिव। अब सर्जेक्टिविटी पहले इधर देखो, कोई भी वैल्यू छूटेगी क्या, बिल्कुल छूटेगी। देखो इस फंक्शन की का मिनिमम आंसर 1 ही आएगा, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगी, सोचो। क्योंकि एक्स कुछ भी रखो, एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। एक्सक्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, अपन ने ग्राफ में भी सीखा था कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है इसका, ठीक है ना। एक्सक्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0, 0 से नीचे ये नहीं जा सकता है। तो 0 plus 1 यानी मिनिमम वैल्यू ओवरऑल फंक्शन की क्या हो जाएगी, 1। तो 1 से छोटे आंसर्स नहीं आएंगे ना, जैसे माइनस 1 किसी का आंसर नहीं आएगा, 0 भी नहीं आएगा, माइनस 2 भी नहीं आएगा, तो बहुत सारे नंबर छूट जाएंगे। तो 1 से छोटे छोटे नंबर सारे छूट जाएंगे इनके, ऐसा मैं कह सकता हूँ। बाकी तो नंबर सारे आ जाएंगे, 1 या 1 से बड़े सारे नंबर आ जाएंगे, यानी सारे नेचुरल नंबर, नेचुरल नहीं कह सकते, बीच में डेसिमल भी आ सकते, कुल मिला के 1 या 1 से सारे बड़े नंबर आ जाएंगे। तो अब उसको प्रूव नहीं करना है, तो प्रूव नहीं करने का एक ही तरीका है, एक क्रॉस एग्जाम्पल। सर्जेक्टिविटी प्रूव नहीं करने का एक ही तरीका है, टेक वन क्रॉस एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने माइनस वन डाल दिया, माइनस वन ले लू, ठीक है। तो माइनस वन ले लेते हैं हम हेयर, तो ये सब लिखने की फिर जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं। ये सारा काम कब करना होता है, जब प्रूव करना हो। तो इस पूरे को मैं हटा देता हूं। नहीं प्रूव करने के लिए एक ही तरीका है सर्जेक्टिविटी का, टेक एंड क्रॉस एग्जाम्पल, सर्जेक्टिविटी। तो माइनस वन ले लू मैं, हेयर माइनस वन बिलोंग्स टू कोडोमेन आर, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन आर, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग टू डोमेन आर सच दैट fx इक्वल टू क्या आ जाए, फंक्शन क्या था, 1 plus x square इक्वल टू माइनस 1 आ जाए। ऐसा कोई भी x मौजूद नहीं है कि 1 plus x square में पुटअप करके आप आंसर क्या ला सको, माइनस 1 ला सको। Hence, so the given function is not on. तो नॉट 1 1 आया एंड नॉट 2 भी आया, तो लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस द गिवन फंक्शन इज नीदर 1 1 नॉर, द गिवन फंक्शन एफ इज नीदर 1 1 नॉर, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में, इसके फर्स्ट पार्ट में मतलब दोनों ही पास हो रहे हैं, एंड सेकंड पार्ट में दोनों ही फेल हो रहे हैं।
नहीं ऐसा जरूरी नहीं लिखना, अगर है तो लिख दो कि बाइसेक्टिव है, अदरवाइज नीदर वन वन और ऑन टू लिखे ना, बात खत्म हो गई। ठीक है चलो अब चलते हैं एट क्वेश्चन की तरफ। एट क्वेश्चन बड़ा ध्यान से देखना, देखो ए और बी दो सेट्स हैं, ठीक है ए और बी दो सेट्स हैं। अब अक्सर क्या होता है कि फंक्शन जो डिफाइन होता है ना बेटा, वो एक सेट से दूसरी सेट पे डिफाइन होता है, मतलब मैप होता है। अक्सर क्या होता है फंक्शन मैपिंग किससे होती है, एक सेट से दूसरी सेट से। लेकिन इस बार फंक्शन जो है ना एक कार्टेशियन प्रोडक्ट से दूसरे कार्टेशियन प्रोडक्ट पे मैप किया हुआ है। समझ आया कुछ? समझ आया? यानी कि क्या समझे, देखो लेट अस से पहले क्या होता था कि ऐसे दो सेट मिलते थे ए और बी, ए मान लो ये ए है ये बी है, और जो फंक्शन होता था फ्रॉम ए टू बी इस तरीके से मैप होता था। और क्या होता था जैसे मान लो कुछ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे लेट अस से ए बी सी डी, और मान लो इधर भी कुछ एलिमेंट्स हैं मान लो 1 2 3 4, और मान लो ए की मैपिंग मान लो 2 से हो गई, तो अपन क्या लिख देते थे एफ ऑफ ए इक्वल टू 2। ऐसा तो जनरली होता है या इससे पहले क्वेश्चन में हुआ है। अब की बार क्या है, जो डोमेन है ना वो एक सेट नहीं है, वो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है। यानी डोमेन इज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, एंड ऑल्सो को डोमेन भी क्या है एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है बी क्रॉस ए टाइप, राइट। तो इसके अंदर पहले ए बी सी डी टाइप के एलिमेंट्स मिलते थे, अब की बार डोमेन में, पहले डोमेन में, लेकिन अब की बार डोमेन में क्या मिलेंगे बोलो, ए इंटू बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्डर्ड। तो अब की बार डोमेन के अंदर जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो इस टाइप के मिलेंगे ए कॉमा बी सी कॉमा डी ई कॉमा एफ, समझे। और उधर को डोमेन के अंदर भी बी क्रॉस ए टाइप के एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स वैसे तो बी क्रॉस है तो इसी के उल्टे मिलेंगे भाई, ए क्रॉस बी अगर ए कॉमा बी हो रहा है तो बी क्रॉस है बी कॉमा ए होगा। बट एक बार के लिए समझाने के लिए रख लेता हूं मैं कि मान लो ऐसे एलिमेंट्स मिल रहे हैं 1 कॉमा 2, मान लो ये सी क्रॉस डी है कोई दूसरे दो सेट नए सेट, समझने के लिए एक बार डाल देते हैं 3 कॉमा 4 5 कॉमा 6। यहां तक समझ आया? अब की बार डोमेन को डोमेन कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो उनके एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। दैट मींस फंक्शन जो से पहले मैं एक एलिमेंट पे लगा के एक एलिमेंट आंसर लाता था, अब की बार फंक्शन लगेगा एक ऑर्डर्ड पेयर, किस पे लगेगा, ऑर्डर्ड पेयर। जैसे मैंने मान लो ए कॉमा बी पे फंक्शन लगाया, ठीक है एक बड़ा ब्रैकेट और लगा दो, ए कॉमा बी तो एक एलिमेंट है ना एक तरीके से, और इसका आंसर भी फिर एक ऑर्डर्ड पेयर आया, लेट अस से 3 कॉमा 4 आ गया, इन केस मान लो ए कॉमा बी की मैपिंग 3 कॉमा 4 से, तो ऐसे लिखेंगे। समझ आया? क्लियर है? ऑर्डर्ड पेयर पे फंक्शन लग रहा है और आंसर भी एक ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, ये तो था समझाने का तरीका, एक्चुअली इस क्वेश्चन में हुआ क्या। अब देखो मैं काम करता हूं ए और बी को थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देता हूं। मैं मान लेता हूं कि ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो इस टाइप के हैं a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन कंटिन्यूअस, पता नहीं कहां तक है, और बी सेट में मान लेता हूं कि b1 b2 b3 टाइप, ठीक है। तो पहला काम हम यही करते हैं, लेट सेट ए बी, लेट सेट ए बी डिफाइंड एज a1 a2 a3 a4 ... इनफाइनाइट सेट, एंड सेट बी बी, एंड सेट बी बी इसके अंदर क्या मान लेते हैं b1 b2 b3 b4 ... ये मान लिया अपन, ए सेट में ये मान लिया, बी सेट में। तो नाउ पहले तो मैं ये डिसाइड करता हूं कि ए क्रॉस बी जो सेट होगा और बी क्रॉस ए जो सेट होगा वो किस टाइप का सेट होगा, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा नहीं है, तो ये किस टाइप के इसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो छोटे मोटे एग्जांपल्स के जरिए देख लेते हैं। देखो इसमें जो होंगे a1 comma b1, समझ रहे हो, a1 comma b2 भी हो सकता है, अच्छा a2 comma b1 भी हो सकता है, अच्छा a2 comma b2 भी हो सकता है, एंड सो ऑन चलती जाएंगे, समझ रहे हो। अच्छा जरा सोचो बी क्रॉस ए किस टाइप का सेट होगा, उसमें किस तरह के ऑर्डर पेयर्स होंगे। तो पहले आप बी के लो और फिर ए के लो, तो जैसे कि b1 comma a1 टाइप का ऑर्डर पेयर इसमें मिल सकता है, अच्छा b1 comma a2 टाइप का भी मिल सकता है, अच्छा b2 comma a1 टाइप का भी मिल सकता है, एंड b2 comma a2 टाइप का भी मिल सकता है, एंड सो ऑन। यहां तक कोई डाउट? ओके, तो ए क्रॉस बी कुछ इस टाइप का सेट बनेगा,
कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड बी क्रॉस ए कुछ इस टाइप का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा। अब फंक्शन की डेफिनेशन देते हैं। नाउ द फंक्शन एफ मैपिंग कहां से करिए, देखो ए क्रॉस बी से, मतलब ए क्रॉस बी इज डोमेन एंड बी क्रॉस ए इज कोडोमेन, है ना। ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए इज डिफाइंड एज, डिफाइन कैसे किया है इन्होंने, डिफाइन ऐसे किया है कि ए कोमा बी पे जब फंक्शन लगाते हैं तो आंसर क्या आता है, बी कोमा। देखो इनकी थोड़ी सी गलती है देखा जाए तो, यहां पे इनको एक और ब्रैकेट लगाना चाहिए क्योंकि ए कोमा बी इंक्लूडिंग ब्रैकेट ही एलिमेंट, इंक्लूडिंग वो छोटा ब्रैकेट है ना, मान लो एक्स एलिमेंट होता तो क्या मैं ऐसे लिखता क्या एफ एक्स, नहीं लिखता ना, एक ब्रैकेट भी तो लगा था। तो अभी ए कोमा बी इंक्लूडिंग ब्रैकेट तो एलिमेंट है, तो आप सिंपली एफ क्यों लगा रहे हो, एक ब्रैकेट और लगाना चाहिए समझने के लिए, बट वो ऐसा नहीं लिखा है ना, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। अगर वो लगा देते ना एक ब्रैकेट और तो शायद क्वेश्चन इतना कंफ्यूजिंग लगता ही नहीं, ठीक है। तो हम लगा देते हैं एफ, एक बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं और अंदर एक ऑर्डर्ड पेयर लगा देते हैं, इक्वल टू आंसर क्या आ रहा है, बी कॉमा। यानी कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर पे ये इस तरीके का एक मशीन है, इस मशीन में सिंगल सिंगल एलिमेंट नहीं जाते, फर्स्ट ऑफ ऑल इस मशीन में ऑर्डर्ड पेयर जाते हैं और ऑर्डर्ड पेयर जैसे जाते हैं ना मशीन उसका रिवर्स करके आंसर आउटपुट दे देते, जैसे ए कॉमा भी डाला तो आंसर क्या दे देगी, बी कॉमा, सी कॉमा डी डाला आंसर क्या देगी, डी कॉमा, ठीक है, समझ आया। ये इस तरीके की एक मशीन डिजाइन करी है किसी ने, ये फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। अब आपको क्या चेक करना है या प्रूव करना है, शो दैट, यानी कि प्रूव करना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, वन वन भी होगा और वन टू भी होगा। तो लेट अस से इंजेक्टिविटी पे आ जाते हैं, यहां तक तो ये क्वेश्चन की डेफिनेशन, इंजेक्टिविटी तो यही कर देते हैं, फिर सर्जेक्टिविटी नेक्स्ट पेज पर कर देते हैं। इंजेक्टिविटी, अब आप खुद सोचो, इधर बहुत सारे ऑर्डर पेयर हैं, जैसे ये है A1, A1, B1, A2, B2। अब इसमें से कोई भी आंसर मैं ले लूं, जैसे A1, B1 ले लूं, तो A1, B1 का आंसर B1, A1 आएगा, तो देखा जाए तो A1, B1 की मैपिंग किससे होगी, B1, A1 से होगी, होगी। A1, B2 की मैपिंग किससे होगी, B2, A1 से होगी, B2, A1 का है इससे होगी। भाई ये डोमेन है, इनफाइनाइट सेट और ये को डोमेन है, मैपिंग कर रहा हूं मैं, फंक्शन क्या करता है उल्टा कर देता है। अच्छा बोलो A2, B1 की मैपिंग इससे हो जाएगी और A2, B2 की मैपिंग B2, A2 से, तो आप देख पा रहे हो एक की मैपिंग एक से हो रही है। चार एग्जाम्पल से भी विश्वास हो जाता है कि एक की मैपिंग एक से ही होगी, किसी भी दो का आंसर एक नहीं आ सकता, तो 1-1 तो है, क्लियर है, ठीक है। तो अब 1-1 है, इसको प्रूव करने के लिए स्टेटमेंट चलते हैं, ठीक है। तो दो एलिमेंट्स ले लो कोई से भी जो डोमेन से बिलोंग करते हो, तो कोई से भी दो एलिमेंट ले लेता हूं, बोलो कौन से लूं, ये ले लूं A1, B1 एंड A2, B2 ले लेता, A1, B1 और A2, B2 ये ले लेता हूं, ठीक है। तो लेट A1, B1 और इसके आगे एक ब्रैकेट लगाना, कॉमा लगाना, लिखने का तरीका सही होना चाहिए, A2, B2 दे बोथ बिलोंग टू डोमेन, और डोमेन क्या है आपकी बार, डोमेन क्या है आपकी बार, ए क्रॉस बी, ठीक है। और मान लेते हैं, अच्छा इधर लेट नहीं करना है, इधर तो लिखना है फॉर एनी, इस टाइप के कोई भी दो एलिमेंट्स ले लिए, फॉर एनी। अब मानने का काम शुरू करना है, लेट मान लेता हूं मैं f of A1, B1 इक्वल टू मान लेता हूं F of A2, B2 ऐसा मान लिया मैंने। अब मुझे बताओ F of A1, B1 क्या होगा, दैट इज F of A1, B1 क्या होगा, क्या करता है फंक्शन उल्टा कर देता है, तो A1, B1 पे फंक्शन लगाएंगे तो आंसर जो है ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा B1, A1 टाइप का, और A2, B2 पे फंक्शन लगाएंगे तो आंसर मिलेगा B2, A2 टाइप का ऑर्डर्ड पेयर, क्लियर है, क्लियर है क्या, B1, A1 और इधर क्या आंसर मिला आपको, थोड़ा क्लियर लिख देता हूं, B2, A2, ठीक है। अब कुल मिला के यहां तक मैं पहुंचा हूं, तो यहां तक मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि एक ऑर्डर्ड पेयर है, एक ऑर्डर्ड पेयर, और दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होंगे, जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, दैट मींस B1 = B2 है और साथ में A1 = A2 है। तो इससे जो रिजल्ट निकला वो ये निकला, नीचे स्पेस नहीं इसलिए मैं सामने लिख रहा हूं, इससे रिजल्ट निकला कि B1 = क्या हो जाएगा, B2 एंड साथ में A1 = क्या हो जाएगा, A। ये दोनों रिजल्ट निकलेंगे, याद रखना एंड लगाया मैंने, तो अगर ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं तो मैं अगेन अगर इम्प्लाइज इसके ऊपर कर रहा हूं, इम्प्लाइज
अगर मैं अगेन एक ऑर्डर्ड पेयर बनाऊं A1, B1 टाइप का, क्योंकि दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो इसका ये ऑर्डर्ड पेयर A2, B2 टाइप के ऑर्डर्ड पेयर के बराबर होगा। भाई चार एलिमेंट्स, चार में से मुझे पता है ये दो इक्वल है, दो इक्वल है। अब मैंने इन दोनों में से एक ऑर्डर्ड पेयर बनाया, तो उन दोनों का ऑर्डर्ड पेयर निकल के आंसर आएगा। तो मैंने बनाया A1, B1 टाइप का ऑर्डर्ड पेयर, तो आंसर जो है A2, B2 टाइप का आएगा। देखो ध्यान से जरा, हमने अजम्पशन किया था यहां से और खत्म किया है यहां, समझ रहे हो भाई? पहले ऐसा करते थे ना, f(x1) = f(x2) करके x1 = x2 प्रूव करते थे, याद है? वो तो आ ही रहा है। दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल हैं तो उनके उल्टे ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं होंगे, आपको प्रूव तो ये करना है ना, इसलिए आप यहां से यहां लेके गए उसको। B1 = B2, A2 ये तो यही प्रूव हो गया, बट मैं यहां पे प्रूव्ड नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि जो अंदर एलिमेंट होते हैं ना वो दोनों एलिमेंट एग्जैक्टली यहां दिखने चाहिए, अभी एग्जैक्टली नहीं दिख रहे ना। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट लगाया कि अगर B1, A1 = B2, A1 अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, एग्जैक्टली इक्वल हैं, तो उन दोनों ऑर्डर्ड पेयर के रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर जो बनेंगे वो भी इक्वल होंगे, ठीक है? तो इसीलिए मैं यहां से यहां गया और यहां से मैंने यह प्रूव कर दिया। अब मैंने प्रूव कर दिया कि A1, B1 = A2, B2 है, तो फंक्शन लगाया था A1, B1 और फंक्शन लगाया था A2, B2 और फंक्शन की वैल्यू दोनों की इक्वल आ रही थी, वो तो अज्यूम किया था, और प्रूव कर दिया कि अंदर के एलिमेंट्स भी इक्वल है, therefore the function is a 1-1 function. Clear है? करो नोट। Hence the function is a 1-1 function. Yes, so the function is a function. क्लियर? चलो इसकी सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं। देखो एक बार वापस मैपिंग पे चलते हैं, तो देखो हमने इस तरीके की मैपिंग करके देखी थी, इसको इससे मैप किया था, इधर देखो बेटा, इस तरीके की मैपिंग हमने करके देखी थी, इसको इससे इस तरीके से मैप किया था। तो अब आप खुद सोचो कॉमन सेंस से कि यहां से देखो चार एलिमेंट्स मैंने बना के देखे, चारों के चारों ऑक्यूपाई हो गए, और बनाऊंगा तो और हो जाएंगे भाई, चार बनाए ऐसे अल्टप्पे रैंडमली, चारों ऑक्यूपाई हो गए ना, कोई भी बच रहा है क्या? तो यानी कि कोडोमेन में कोई एलिमेंट नहीं बचने वाला, कोडोमेन और रेंज बराबर है, यानी हर एक ऑर्डर्ड पेयर जहां से बन के आया उसका उल्टा ऑर्डर्ड पेयर वहां मौजूद है, कोई भी बचेगा नहीं जिसका प्री इमेज नहीं है, दैट मींस इट इज सब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिविटी प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है बोलो, वो पूरा सब कुछ वर्बल स्टेटमेंट देना पड़ता है। चलो तो स्टार्ट करते हैं वर्बल स्टेटमेंट से। तो मेरा फंक्शन क्या था? मेरे फंक्शन था, लेट अस से आप सिंपली लिख दो इसको, देखो हेयर फॉर एनी, किसी भी टाइप का ऑर्डर्ड पेयर ले लूं मैं, उधर कोडोमेन में किस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर से चेक करो, कोडोमेन में इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं B1, A1, B2, A2 इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, तो B1, A1 ले लेते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव, फॉर एनी B1, A1 बिलोंग टू कोडोमेन B x A देयर एग्जिस्ट एक A1, B1 टाइप का ऑर्डर्ड पेयर मौजूद है, देयर एग्जिस्ट A1, B1 belongs to domain A x B such that F(A1, B1) = B1, A1 बनाया जा सके, so the function is onto ठीक है। क्या लिखा मैंने, कोडोमेन में से एक कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले लिया B1, A1
हर एक B1 कॉमा A1 टाइप के ऑर्डर्ड पेयर के लिए उधर डोमेन में A1 कॉमा B1 टाइप का ऑर्डर्ड पेयर मौजूद है, ताकि A1 कॉमा B1 पे फंक्शन लगा के B1 कॉमा A1 बनाया जा सके। इस तरीके के किस टाइप का भी ले लो, हमारे पास प्री इमेज मौजूद है, ठीक है ना। सो द फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन, और दोनों ही हो गए, दोनों ही हो गए। हेंस द गिवन फंक्शन एफ इज बाइजेक्ट। F is और प्रूव्ड करने के लिए कह रहा था, तो प्रूव्ड लिख दो। क्लियर है क्वेश्चन बेटा? थोड़ा सा मतलब है ना, सोचने पे कुछ नया सोचने पे मजबूर कर रहा है, क्योंकि फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर पे लग रहा है ना, बट है बड़ा आसान, करना कुछ ही नहीं पड़ा, उल्टा फुल्टा करके देखना, ठीक है। बस लीवर लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए भाई, अच्छा उसकी जगह ये रखना है, तो इतना हमारा माइंड हमेशा एक्सप्लोर रहने के लिए तैयार रहना चाहिए कि जो काम हम कर चुके हैं स्लाइटली अगर डिफरेंट काम करवा रहा है तो करने के लिए रेडी रहे, ठीक है। क्लियर है? ओके चलो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर नाइन। देखो बच्चों क्या कहता है, एक फंक्शन है From end to end, that means domain is a natural number set and codomain is also a natural number set. Define कैसे किया गया? देखो, अब यहाँ पे ये जो small n है ना, ये उस natural number set में से एक कोई natural number pick किया हुआ है, 1, 2, 3, 4 any. वैसे अब तक जो functions लिखे वो fx की form में थे, किस form में थे? fx. कोई कहे सर इस बार fn क्यों लिया? इसलिए ले लिया, बस मन कर गया भाई, natural number तो है ही सही, तो let us denote a natural number not by x and let it denote by n. तो उससे कुछ खास फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो ये x की जगह इन्होंने n रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? फंक्शन का आंसर तब आएगा n+1/2 अगर ये जो उठाया हुआ n है वो ऑड नंबर है, और इसका आंसर आएगा n/2 अगर ये जो उठाया हुआ नंबर है वो इवन नंबर है, और इसके अलावा ऑड या इवन के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने नेचुरल नंबर ही तो लिए हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, जैसे 1 ऑड उठाया तो वो इस कैटेगरी के हिसाब से सॉल्व होगा, अगर 2 इवन उठाया तो वो इस फंक्शन की इस फॉर्म के साथ हिसाब से वो सॉल्व होगा। ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन स्टेट वेदर है, बताना है कि वेदर इट इज बाइजेक्टिव और नॉट, यानी कि वही कि आपको इंजेक्टिविटी चेक करनी है, सब्जेक्टिविटी चेक करनी है, इफ दे आर बोथ इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव आई विल से दैट द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, ओके, और जस्टिफाई करना है। शुरू करें? ओके देखो, बस डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पे x होता था, यहाँ पे x टाइप के फंक्शन होता था, जैसे fx equals to मैंने लिख दिया x2+1, तो x यहाँ पर है और x यहाँ पर है, अब इस x की जगह क्या है, n है, ठीक है। और पहले फंक्शन एक ही फॉर्म में डिफाइन होता था, फंक्शन दो अलग अलग केस के हिसाब से डिफाइन है, अगर ऑड है तो वो वाला केस के हिसाब से डिफाइन है, इवन है तो इस वाले केस के हिसाब से डिफाइन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट। पहले मैं फंक्शन को डिफाइन कर देता, मतलब जो गिवन पॉइंट्स लिख देता हूं, हियर द फंक्शन एफ मैप्ड फ्रॉम नेचुरल नंबर सेट टू नेचुरल नंबर सेट इज डिफाइंड एज फंक्शन गिवन है fn, fx की जगह fn इक्वल टू, और फंक्शन कुछ ऐसे डिफाइन है कि आपको n+1 होल डिवाइडेड बाय 2 करना है इफ n इज ऑड एंड आपको n/2 करना है इफ n इज इवन। इस तरीके से ये फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। और अब आपको वही इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी चेक करनी है, तो बिफोर चेकिंग इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी एक छोटी सी मैपिंग करके देखें इस फंक्शन के हिसाब से, और वैसे भी एग्जाम में आपको चाहे से फेयर ना करो, आपको रफली तो चेक करनी ही पड़ेगी, तभी आप पहुंच पाओगे कि इंजेक्टिव है सब्जेक्टिव है कि है या नहीं है, जो भी है, ठीक है। चलिए, तो लेट अस टेक टू नेचुरल नंबर सेट, मैंने यहां ले लिया एक नेचुरल नंबर सेट एन, मैंने यहां पे भी ले लिया एक नेचुरल नंबर सेट एन, n टू n, और एफ एन है आपकी बार फंक्शन का नाम, ना कि एफ एक्स, एफ एन फ्रॉम हेयर टू हेयर, नेचुरल नंबर ले लेता हूं मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, और इधर भी मैंने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। चलिए अब मैपिंग कर रहा हूं मैं, देखो खुशी, अगर मैं 1 की मैपिंग करूंगा तो जो मैं नंबर पिक कर रहा हूं इनपुट में, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू चेक इट इज ऑड और इवन, राइट।
तो वन इज एन ऑड नंबर और इवन नंबर ऑड, दैट मीन्स आई विल पुट वन हेयर नॉट हेयर, है ना. तो वन प्लस वन यानी टू, टू डिवाइडेड बाई टू वन, दैट मीन्स वन विल बी मैप्ड विथ वन. वन विल बी मैप्ड विथ वॉट, वन. ओके, वन की वन से मैपिंग. चलो टू की मैपिंग देखते हैं. तो टू इज एन ऑड नंबर और इवन नंबर, सॉरी. तो टू जो इनपुट होगा वो इस फंक्शन में सॉल्व होगा ना कि उसमें. तो टू बाई टू यानी कि वन. ये लो साम, टू की भी मैपिंग हो गई वन से, टू की भी मैपिंग हो गई वन से. चलो मजा आ रहा है, कुछ और दो और करते हैं ना. थ्री, थ्री इज एन ऑड नंबर. तो ऑड नंबर यानी थ्री प्लस वन फोर, फोर बाई टू टू. तो थ्री विल बी मैप्ड विथ वॉट, टू. एंड फोर, फोर इज एन इवन नंबर. तो फोर बाई टू टू, फोर विल बी मैप्ड विथ टू ऑनली. चलो अब बचे फाइव एंड सिक्स को भी करके देख लेते हैं कि क्या होता है. तो फाइव इज एन ऑड नंबर, विल बी मैप्ड विथ वॉट, थ्री. फाइव प्लस वन सिक्स बाई टू, थ्री. यस, यू गॉट इट. और सिक्स विल बी मैप्ड विथ अगेन थ्री, बिकॉज सिक्स बाई टू इज, सिक्स इज एन इवन नंबर, सो आई विल पुट सिक्स बाई टू एंड आई विल गेट माई आंसर थ्री. तो हो क्या रहा है, कुछ समझ आया? हर दो नेचुरल नंबर की मैपिंग एक नंबर से हो रही है, तो क्लियर कट मैनी वन है. और ऐसे हम अगर चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, तो फोर की भी अगेन दो नंबरों से मैपिंग, फाइव की भी अगेन दो नंबरों से मैपिंग, सिक्स. तो इसमें से कोई भी नेचुरल नंबर बचने नहीं वाला है, सबकी मैपिंग हो रही है. वन टू थ्री की हुई ना, फोर की भी होगी, फाइव की भी होगी, सिक्स की भी होगी. चलते जाओ, चलते जाओ, इधर नेचुरल नंबर्स मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे. हर दो की एक से होती जाएगी, हर दो की. इतना इधर कभी खत्म होने ना, इधर कभी खत्म होने. कुल मिला के सारे नेचुरल नंबर ऑक्यूपाई होंगे. दैट मीन्स फंक्शन ऑन टू तो है बट वन वन नहीं है, यानी कि बाइजेक्टिव नहीं है. तो पता तो चल गया मैपिंग से, बट अब इसको प्रेजेंट करना. ठीक है, तो इंजेक्टिविटी फेल, सर्जेक्टिविटी पास. ओके, सो लेट अस. अच्छा अब तक, अच्छा उल्टा हो रहा है, मतलब उल्टा हो रहा है, ऐसा पहला एग्जांपल है. ओके, तो नाउ इंजेक्टिविटी, इस चीज पे मैंने गौर नहीं फरमाया, इट इज वेरी गुड. अगर आप ऐसा ध्यान दे रहे हो तो अच्छी बात है. इंजेक्टिविटी, ओके. तो इंजेक्टिविटी फेल करनी है. तो इंजेक्टिविटी फेल करने का तरीका दो है, दो है. क्रॉस एग्जाम्पल भी हैं और एक्स वन एक्स टू वाले तरीके भी हैं. तो क्रॉस एग्जाम्पल, जब फंक्शन अटपटा सा हो ना, जैसे एन प्लस वन बाय टू, वेन एन इज ऑड, वेन एन इज इवन, तो क्रॉस एग्जाम्पल लेना इज वेरी बेनिफिशियल, फटाफट में निपटा उसको, है ना. और अगर मान लो ऐसे फंक्शन सीधा साधा हो, तो यू कैन ऑल्सो टेक वर्बल स्टेटमेंट्स, एक्स वन एक्स टू वाली जो फॉर्म है. तो अपन क्रॉस एग्जाम्पल्स लेते हैं अपन. तो हेयर मैं वन को, वन और टू की मैपिंग ही वन से दिखा देता हूं. वन एंड टू की मैपिंग वन से हो रही है, तो मैं लिख देता हूं वन एंड टू, दे बोथ बिलोंग टू डोमेन एन, डोमेन कैपिटल एन. एंड जब मैंने एफ ऑफ वन निकाला, तो वो कैसे निकला, वन ऑड था, तो वन प्लस वन बाय टू करके निकला, यानी कि वन निकला. ऑल्सो जब मैंने एफ ऑफ टू निकाला, तो टू इवन था, तो वो टू बाय टू करके निकला, यानी वो भी वन निकला. तो हेयर, हेयर एफ ऑफ वन इक्वल टू एफ ऑफ टू इक्वल टू क्या हो गया, वन हो गया. बट वन इज नॉट इक्वल टू टू, इट इज वेरी ऑब्वियस. सो द फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव, फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव. ओके, ठीक है, चले अब सर्जेक्टिविटी पे, नेक्स्ट पेज पे आते हैं. सर्जेक्टिविटी, अब सर्जेक्टिविटी पास है, मुझे पता है. तो सर्जेक्टिविटी पास केवल और केवल अपन वर्बल स्टेटमेंट से ही कर सकते हैं. ठीक है, सर्जेक्टिविटी फेल करने के लिए तो क्रॉस एग्जांपल्स थे भाई, इसके लिए कोई प्री इमेज नहीं, बट पास करने के लिए वर्बल स्टेटमेंट ही चाहिए होते हैं ना. तो पास करने के लिए हम क्या लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे हेयर. केस वन केस टू दो बनाने पड़ेंगे बेटा हमको यहाँ पे, है ना. केस वन केस टू दो बनाने पड़ेंगे. चलो केस वन बना रहा हूं मैं, केस वन. केस वन क्या है, व्हेन एन इज, व्हेन एन इज ऑड, एन विच बिलोंग्स टू डोमेन एन इज ऑड, इज ऑड, इज ऑड. तो बेटा जब एन ऑड है, तब मेरा फंक्शन कैसे ट्रीट हो रहा है, एफ एन इक्वल टू एन प्लस वन बाय टू, ऐसे ट्रीट हो रहा है. बोलो बेटा, इस एन की बात कर रहा हूं मैं अभी. तो देखो ये जो एन अपन यहां उठा रहे हैं ना, एन इज ऑड, एन इज इवन, वो इनपुट है भाई. अगर इनपुट ऑड है तो ऐसा करो, इनपुट इवन है तो ये आउटपुट नहीं है. तो अभी मैं जब केस बना रहा हूं, तो मैंने ये
एन बिलोंग टू डोमेन एन ई लिखा है ना, जब एन डोमेन एन के अंदर है तब फंक्शन कैसा ट्रीट हो रहा है, एफ एन इक्वल टू एन प्लस वन बाय टू। अब जैसे अपन एफ एक्स को वाई नहीं लिख देते थे तो इसको भी लिख देते हैं कि वाई इक्वल टू एफ एन। अब ये पढ़ने में थोड़ा अजीब लग रहा है वाई इक्वल टू एफ एन, बट ऐसे ट्रीट करो कि एफ एक्स है, एफ एक्स होता तो एक्स प्लस वन बाय टू होता। तो क्या करते हैं, वाई एज ए फंक्शन ऑफ एन है, एन एज ए फंक्शन ऑफ वाई बनाएंगे, उल्टा करेंगे, याद है। तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो वॉट आई विल गेट एन एन इक्वल टू, मैं डायरेक्ट कर देता हूं टू वाई माइनस वन, टू वाई माइनस वन, यस और नो, टू वाई माइनस वन। अब सुनना ध्यान से, देखो वाई यहां पे कोई भी नेचुरल नंबर है, क्योंकि आंसर तो कोई भी नेचुरल नंबर आ रहा है, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन कोई भी आ रहा है। n यहाँ पे 100% एक ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, केस वन में यही हो रहा है कि n इज 100% ऑड नेचुरल नंबर, और y जो है ऑड भी हो सकता है आंसर में और इवन भी हो सकता है, पता नहीं है मुझे, है ना, पर आएगा नेचुरल नंबर ये मुझे पता है। तो अब आप ये सोचो कि y की कोई भी नेचुरल नंबर की वैल्यू के लिए क्या n हमेशा ऑड आ रहा है क्या, क्योंकि आपने n यहाँ पे ऑड लिया है, क्या लिया है, ऑड लिया है। तो y की कोई भी नेचुरल नंबर की वैल्यू ले लो, n हमेशा ऑड आएगा, दैट मींस उसकी सबके लिए प्री इमेज मौजूद है। तो एक ऐसे लेके देख लो, जैसे y की वैल्यू 1 ले ली तो 2 वन जा 2 माइनस 1 ऑड आया, y की वैल्यू 2 लो 2 टू जा 4 माइनस 1 3 अगेन n ऑड आया, y की वैल्यू 3 ले लो 2 3 जा 6 माइनस 1 5 अगेन एक n ऑड आया, आया कि नहीं आया। तो मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, ऐसे लेके नहीं देखना, ये रफली लेके देखना है, मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा हेयर फॉर ऑल y, अब लिखूंगा वो कोडोमेन n, अब y कोडोमेन में ना, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन कैपिटल N, there exist an odd natural number n belonging to domain n such that फिर वही डोम रेंज और उसको इक्वल करने वाला केस है ना, such that एफ एक्स इक्वल टू समथिंग लिखते थे अपन, तो अब की बार क्या लिख रहे हैं, एफ एन, क्या लिख रहे हैं बेटा, एफ एन। अब एफ एन की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है, टू वाई माइनस वन, तो ये एफ ऑफ टू वाई माइनस वन हो गया, एंड एफ ऑफ टू वाई माइनस वन यानी कि अब टू वाई माइनस वन कहां पुट अप करोगे, उस n प्लस वन बाई टू की जगह, तो ये क्या हो जाएगा, टू वाई माइनस वन प्लस वन बाय टू, तो टू वाई माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन कट गया, टू वाई बचा, टू वाई से टू कट गया, क्या बच गया, वाई। तो एफ एन इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेंज, राइट, एफ एन इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेंज एंड वाई इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन। तो अल्टीमेटली मेरा रेंज एंड कोडोमेन इक्वल आ रहा है, तो केस नंबर वन में तो ये ऑन टू फंक्शन प्रूव हो रहा है। अब केस नंबर टू में इसी में फेरबदल कर रहा हूं, आप इतनी सी स्पेस और छोड़ दो, इतनी की इतनी स्पेस और छोड़ दो, आप अपने आप करना, इसी में मैं फेरबदल करके बता रहा हूं आपको, ओके। देखो केस नंबर टू में हम क्या करेंगे, अब की बार एन जो है बिलोंग टू डोमेन एन है वो इवन है, वो क्या है, इवन है, ओके फाइन। तो जब ये इवन होता है बच्चे, तो फंक्शन मेरा एन बाय टू की तरह ट्रीट होता है, राइट, n by 2 की तरह ट्रीट हो गया। तो उल्टा करेंगे, y as a function of n की जगह n as a function of y लिखना कोशिश करेंगे, तो n equal to 2y हो जाएगा सिंपली, ठीक है। अब आप पहले तो रफली अपने आप को यकीन दिलाओ कि y कोई भी नेचुरल नंबर लेते ही n एक इवन नेचुरल नंबर मिलता है क्या, मिलता है। y की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं, नेचुरल नंबर ही लेनी है ना, 1 ले लूं तो 2 1 जा 2 इवन, 2 ले लूं तो 2 2 जा 4 इवन, 2 3 जा 6 इवन अगेन, 2 4 जा 8 इवन। तो मैं लिख दूंगा फॉर ऑल y बिलोंग टू कोडोमेन एंड देयर एग्जिस्ट एन, ऑड की जगह इवन लिख लो, कि y उधर कोई सा भी ले लो, इधर इवन नेचुरल नंबर मौजूद है, देयर एग्जिस्ट एन इवन नेचुरल नंबर n बिलोंग टू डोमेन n सच दैट। अब यहां पे चेंजेस करो, fn इक्वल टू n की वैल्यू अब की बार क्या है, 2y, 2y माइनस 1 नहीं ओनली 2y, और वहां पे n by 2 में 2y को पुट अप करेंगे, n by 2 में क्या पुट अप करेंगे, 2y को, तो n की जगह मतलब एक तरीके से n की जगह 2y पुट अप करेंगे, तो 2y by 2 हो जाएगा एंड 2y by 2 इक्वल टू व्हाट, y। तो केस नंबर 1 में भी ये ऑन टू प्रूव हो रहा है एंड केस नंबर 2 में भी ये ऑन टू प्रूव हो रहा है। तो फिर लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख दूंगा, हैंस द फंक्शन f इज एन
इस सर्जेक्टिव लिख लो या ऑन टू लिख लो, कैसे भी लिख लो, कोई भी नाम दे सकते हो. इस सर्जेक्टिव इन बोथ द केसेस, इन बोथ द केसेस. केस वन केस टू बना के इस तरीके से करेंगे, है ना. फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेगा? सो वी कैन कंक्लूड दैट बाइजेक्टिव तो वो नहीं है, क्योंकि उसने एक पूछा था कि बाइजेक्टिव है. सो वी कैन कंक्लूड दैट द गिवन फंक्शन एफ इज नॉट बाइजेक्टिव. द गिवन फंक्शन एफ इज नॉट बाइजेक्टिव. अब रीजन भी लिख लो. एज इट इज सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव. एज इट इज सर्जेक्टिव, ये रीजन हो गया कि बाइजेक्टिव क्यों नहीं है. एज इट इज सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, बट नॉट इंजेक्टिव. अब कई बच्चे इसमें नॉट सर्जेक्टिव प्रूव करके आते हैं कैसे भी करके, और अपने आप को मानते भी हैं कि नॉट सर्जेक्टिव है. क्यों पता है? क्योंकि केवल इस कारण से कि यहां पे हर दो की मैपिंग एक से हो रही है, हर दो की मैपिंग है, तो एक लॉजिक लेके चलते हैं. और कई बार देखो ये भी लॉजिक थोड़ा सा अजीब सा है कि इधर जितने नेचुरल नंबर है उतने भी उतने के उतने ही इधर है, उतने के उतने इधर है. मान लो इधर 100 है तो इधर भी 100 है, इधर 10,000 है तो इधर भी 10,000, 20 लाख है तो इधर भी 20 लाख. तो ऐसे मानते हैं कि हर दो की मैपिंग, हर दो नहीं आधे बच जाएंगे, एग्जैक्टली आधे. मान लो 6 ले लिए तो 6 में से 3 बचे, इधर 6 पूरे कंप्लीट हो गए. मान लो 600 ले लें तो 300 बचेंगे, मान लो 6 लाख ले लें तो 3 लाख बचेंगे. तो उस लॉजिक से चलें तो ये नॉट सर्जेक्टिव है ना, केवल उस लॉजिक को सोचें. पर आप सोचो नेचुरल नंबर खत्म ही नहीं हो रहे ना, तो इन्फिनिटी वाला लॉजिक ले लें, इधर भी इनफाइनाइट है इधर भी इनफाइनाइट है, खत्म तो हो नहीं रहे, तो फिर सर्जेक्टिव. इन्फिनिटी के लॉजिक को हटा दें, फिक्स कर दें, फाइनाइट कर देंगे इतने ही नेचुरल नंबर, तो ये भी नॉट सर्जेक्टिव हो जाएगा. ओके, तो फाइनल आंसर नॉट सर्जेक्टिव रहेगा. ओके, सो दैट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, प्लस एन इंटरेस्टिंग वन ऑल्सो. ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एग्जामिनर को पसंद है, दो दो केस बनाने वाले. तो फिर नॉट सब्जेक्टिव, 100% नॉट सब्जेक्टिव होगा. अगर n को डिफाइन कर दे, n स्ट्राइक लिख दे नीचे, और n स्ट्राइक को डिफाइन कर दें कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 100 छोड़ो, फर्स्ट 1 लाख भी बोल सकता है वो. तो कुछ भी नंबर दे दे, 1 लाख दे दे, 1 करोड़ दे दे, एक नंबर देते ही वो नॉट सब्जेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि फिर एग्जैक्टली आधे को डोमेन में बच जाएंगे. क्लियर है? ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 10, लेट ए इक्वल टू, ए सेट डिफाइन है बेटा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3, और बी सेट डिफाइन है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, और फंक्शन इज मैप्ड फ्रॉम ए टू बी. इस 3 को छोड़ के जो रियल नंबर बचे यहां से, और 1 को छोड़ के जो रियल नंबर बचे वहां तक ही मैप. अब पहली बार सुनने में ये अजीब सा लगता है कि ए से बी पे मैपिंग कर ली वो अच्छी बात है, लेकिन इधर 3 को और इधर 1 को छोड़ा क्यों आखिर? एक बार सुनने में ऐसा अजीब सा लगता है कि इधर 3 को और इधर 1 को रियल नंबर में से माइनस क्यों किया. चलो आगे पढ़ते हैं. डिफाइंड बाय फंक्शन की वैल्यू, एक पॉलिनोमियल, एक रैशनल फंक्शन है, सॉरी रैशनल फंक्शन है, सम फंक्शन डिवाइडेड बाय एक पॉलिनोमियल फंक्शन डिवाइडेड बाय दूसरा पॉलिनोमियल फंक्शन, को क्या कहते हैं? 11th में सीखा था रैशनल फंक्शन. तो ये रैशनल फंक्शन गिवन है, आपको पता लगाना है कि 1 1 है या ऑन 2 है या दोनों है या क्या है. ओके, शुरू करें. ओके चलो, तो गिवन पॉइंट्स लिखते हैं सबसे पहले. Here, the function f, mapped from a to b. अच्छा, पहले a और b भी तो देना पड़ेगा, रुको. Here it is given that, पहले a और b की definition. Here it is given that a set है real number minus 3, एंड बी सेट है रियल नंबर माइनस 1, एंड इट इज गिवन दैट, एंड इट इज गिवन दैट द फंक्शन एफ, इज मैप्ड फ्रॉम ए टू बी, इज डिफाइंड एज चलो अब फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं मैं. अब फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू, रैशनल फंक्शन है, एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3. ठीक है, देखो
डोमेन में से थ्री को क्यों घटाया ये तो समझ में आ गया होगा शायद पढ़ के, क्योंकि ये फंक्शन नॉट डिफाइंड बन जाएगा, क्योंकि थ्री माइनस थ्री हो जाएगा जीरो, बट को डोमेन में से वन निकालने का क्या मतलब ये समझ में अभी नहीं आया है। ठीक है साहब। अच्छा अगर अब मैं डोमेन के अंदर थ्री शामिल कर दूं तो वो फंक्शन में दिक्कत क्या है भाई, आप थ्री पे मत लगाना फंक्शन, तो फिर प्रॉब्लम ये है कि डोमेन का हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए थी, तो थ्री की इमेज नहीं मिलेगी ना वहां पे, थ्री की इमेज मिलेगी नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड इज नॉट ए रियल नंबर, तो उसकी इमेज नहीं मिलेगी इसलिए वो फंक्शन ही नहीं होगा, इसीलिए डोमेन में से थ्री हटाने का मतलब तो समझ में आएगा। बट को डोमेन में तो क्या होता है बेटा, को डोमेन में तो कोई एलिमेंट बच भी जाता है तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, तो फिर को डोमेन से क्यों हटाया ये सवाल मन में गूंज रहा है अभी भी, और वन ही क्यों हटाया, वन तो कहीं दिख भी नहीं रहा, ऊपर टू है ऊपर थ्री। चलते हैं आगे, चलते हैं इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी की बात करते हैं ना, तो मैं इंजेक्टिविटी चेक कर रहा हूं लेटस से, मैपिंग करो तो ठीक है, नहीं तो अब इसमें तो वैसे भी लाइन बाय लाइन नंबर तो मिलेंगे नहीं है ना, बट ये समझ में आ रहा है कि कोई भी रियल नंबर में यहाँ रखूंगा, रियल नंबर माइनस टू डिवाइडेड बाय रियल नंबर माइनस थ्री, तो एक रियल नंबर आंसर जरूर मिलेगा ना, अब वो पॉइंट में भी रख लो क्योंकि सारे रियल नंबर्स लेने, कोई नेचुरल नंबर या ऐसा इंटीजर वैल्यू नहीं लेनी है। ओके, इंजेक्टिविटी में मैं सोचता हूँ एक बार वर्बल स्टेटमेंट से कि लेट अस टेक एनी टू एक्स वन एंड एक्स टू, लेट अस टेक एनी टू एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंगिंग टू सेट ए जो कि डोमेन है, तो फॉर एनी एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू बिलोंगिंग टू डोमेन ए। ठीक है, मान लेते हैं कि एफ एक्स वन, मान लेते हैं कि एफ एक्स वन इक्वल टू क्या है, एफ एक्स टू है। अब एफ एक्स वन यहां लगाना जरा, तो एफ एक्स वन लगाते ही क्या हो जाता है, मतलब एक्स वन माइनस टू अपॉन एक्स वन माइनस, और इधर लगाना जरा ये x2 माइनस टू डिवाइडेड बाय x2। अब इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि x1 x2 इक्वल आता है कि नहीं आता है, यही करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x1 माइनस टू को x2 माइनस थ्री से करता हूं मैं, x1 इंटू x2 हो जाएगा x1 x2, x1 इंटू माइनस थ्री हो जाएगा माइनस थ्री x1, ठीक है, माइनस टू इंटू x2 हो जाएगा माइनस टू x2, माइनस टू इंटू माइनस थ्री हो जाएगा प्लस सिक्स, ये तो हो गया एल एच एस पार्ट, आर एच एस पे आ जाओ, x1 into x2 again x1 x2, then x1 into minus 2 is minus 2x1, then minus 3 into x2 is minus 3x2, and then last में minus 3 into minus 2 is plus 6, fine, हो गया यहां तक, okay now x1 x2 तो as it is गया खत्म, और देखो अब बाकी सारी terms को इधर बुला लो, तो माइनस थ्री एक्स वन तो इधर था ही सही, माइनस टू एक्स वन इधर बुला लो तो प्लस टू एक्स वन, और एक काम करते हैं, अच्छा सिक्स भी सिक्स से कट गया, ये भी देखो सिक्स भी सिक्स से कट गया, और एक्स टू को उधर भेज दो भाई, एक्स वन सारे इधर बुला लो एक्स टू उधर भेज दो, तो माइनस थ्री एक्स टू तो उधर था ही सही, एंड माइनस टू एक्स टू उधर जाके क्या हो गया प्लस टू एक्स टू। ओके, व्हाट इज माइनस थ्री एक्स वन प्लस टू एक्स वन, इट इज माइनस एक्स वन, इट इज माइनस एक्स वन, यस ऑर नो। ओके, व्हाट इज माइनस थ्री एक्स टू प्लस टू एक्स टू, इट इज माइनस एक्स टू, हो गया काम, हो गया क्या काम, और एक्स वन इक्वल टू एक्स टू हो गया, तो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू रखने से एक्स वन और एक्स टू इक्वल आए। ओके, इसने कहा था डोमेन से थ्री गायब कर देना, तो थ्री गायब कर देंगे, थ्री के अलावा कोई भी x1 नाम का नंबर ले लो, x1 x2 नाम के नंबर ले लो, और उस पर फंक्शन सेम करने से वो वैल्यूज भी सेम आ रही है, दैट मींस इट इज ए वन वन फंक्शन, ठीक है ना, और आपको पहले भी हिंट दिया है कि अनटिल एंड अनलेस क्वाड्रेटिक ना हो तो वन वन होने के चांसेस होते हैं, है ना, बस फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, उसके लिए थ्री हटाई दिया अपने, तो मैं एक लाइन लिखूंगा इसके नीचे, यहां लिख देता हूं स्पेस नहीं है, सो so for any x1 comma x2 not equal to 3 ले लो, 3 नहीं हो सकता, fx1 equal to fx2 implies x1 equal to x2, fx1 equal to fx2 क्या imply करता है, x1 equal to x2, so the function is injective, या वन, अब उसने वन वन वर्ड यूज किया क्वेश्चन में, तो वन वन वर्ड लिखो, तो फंक्शन इज वन वन। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, सर्जेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी,
ओके अब सर्च एक्टिविटी में क्या चेक करना है कि सारे एलिमेंट्स इधर ऑक्यूपाई होते नहीं है, वो उल्टा फुल्टा चेक करना है आपको सर, है ना? ठीक है, तो फंक्शन लिख देता हूं मैं हेयर। फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री, यही तो गिवन है, और उसको मैं वाई से डिनोट करा दूं। चलिए, तो वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स लिखा है हमने, क्या करना है अपने को बोलो, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई बनाना है, तो वाई इंटू एक्स यानी एक्स वाई, y इंटू माइनस थ्री माइनस थ्री वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू, एक्स एक्स की टर्म्स को इधर बुलाओ, तो एक्स वाई तो इधर ऑलरेडी है, एक्स को और बुला लेता हूँ माइनस एक्स, और वाई को उधर भेज दो, तो थ्री वाई माइनस टू, यहां से अगर मैं एक्स कॉमन ले लूँ तो आई विल गेट वाई माइनस वन इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू, और एक्स की वैल्यू आ जाती है थ्री वाई माइनस टू डिवाइडेड बाय वाई माइनस वन। पता चला क्यों वन लिया था, क्योंकि वाई कोडोमेन है, और कोडोमेन की वैल्यू वन लेते ही एक्स की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है, यानी अगर मैं उधर वन रख दूं, अगर मैं उधर वन रख दूं तो फंक्शन तो डिफाइन है बट वो ऑन टू नहीं रहेगा, क्योंकि वन तो बेचारा रह ही जाएगा, इसकी कोई प्री इमेज ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं वाई की वैल्यू वन रख दूं, वाई क्या है, कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं, तो उसकी वैल्यू अगर मैं वन लाना चाहूं तो वन लाने के लिए ऐसा कोई एक्स मौजूद नहीं है, अगर एक्स बनाना चाहो ऐसा जबरदस्ती तो नॉट डिफाइंड बनता है, और नॉट डिफाइंड डज नॉट बिलोंग टू ए रियल नंबर सेट, दैट मीन्स फंक्शन ऑन टू है। हाँ, अगर उसने कोडोमेन में से वन को गायब नहीं किया होता फिर ऑन टू नहीं होता, लेकिन डिफाइन जरूर होता, डिफाइन जरूर होता, क्योंकि कोडोमेन में कोई बच जाता है तो उसका फंक्शन की डेफिनेशन में फर्क नहीं पड़ता, बट ऑन टू है या नहीं है इस बात पे फर्क जरूर पड़ता है। समझ रहे हो बेटा, सारी बात को डिटेल में समझ के चलना। ओके, तो मैं क्या लिखूंगा इधर, ये भी लिख देता हूं, वेयर वाई इज नॉट इक्वल टू वन, है ना, वेयर वाई इज नॉट इक्वल, सो फोर क्या ऑन टू बनाना था। हाँ, मतलब इस क्वेश्चन में अगर मैं ये बी की वैल्यू केवल आर रख दू ना तो ये फंक्शन नॉट ऑन टू बन जाएगा, और बी की वैल्यू आर माइनस वन रख दू ना तो अब ये फंक्शन ऑन टू बन जाएगा, ए की वैल्यू आर माइनस थ्री रख दू ना तो बाकी सब छोड़ो फंक्शन ही नॉट डिफाइंड होगा, तो वो तो करना कंपलसरी है फंक्शन बनाने के लिए, ये करना कंपलसरी नहीं है बट उसको आंसर ऑन टू लाना है इसलिए उसने ये किया। ओके, तो सो फॉर एनी वाई बिलोंग टू कोडोमेन बी, और कोडोमेन बी भी मैं बता देता हूं क्या है, विच इज इक्वल टू आर माइनस वन, वी हैव एन एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन, वी हैव एन एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन ए सच दैट, अब वो उल्टा करके भी देखना है ना, एफ एक्स इक्वल टू, अब एक्स की वैल्यू क्या आई बोलो, एक्स की वैल्यू क्या आई, थ्री वाई वो रेंज और वो कोडोमेन भी इक्वल करके बताना है, वाई माइनस वन आई, इस वैल्यू को कहाँ पुटअप करेंगे, उधर एक्स की जगह पुटअप करेंगे, तो बड़े ध्यान से करना, एक्स की जगह ये वैल्यू पुटअप कर रहा हूं मैं, तो थ्री वाई माइनस टू डिवाइडेड बाय वाई माइनस वन, और ये एक्स की वैल्यू है माइनस टू होल डिवाइडेड बाय अगेन थ्री वाई माइनस टू डिवाइडेड बाय वाई माइनस वन एक माइनस वन, इसको सॉल्व करना है, तो आई कैन सी वाई माइनस वन, वाई माइनस वन एलसीएम लेने के बाद कट जाएगा, कट जाएगा, तो थ्री वाई माइनस टू, और वाई माइनस वन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू वाई प्लस टू हो जाएगा, और वाई माइनस वन मैंने मान लिया कट गया, नीचे आ जाओ तो थ्री वाई माइनस टू, और वाई माइनस वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई कराना तो वाई माइनस वाई प्लस वन हो जाएगा, राइट? ओके, थ्री वाई माइनस वाई हो जाता है वाई, और माइनस टू प्लस टू कट गया, डिवाइडेड बाय थ्री वाई माइनस वाई क्या हो जाता है, टू वाई, और माइनस टू प्लस वन कितना होता है, बट ये तो वाई आया ही नहीं, कुछ ना कुछ गलती करिए, अरे इधर थ्री है ये वन कहां से लिखा, इसको सही करो एक तो। हाँ, और अब आप क्या कह रहे हो, न्यूमरेटर में कुछ गलती है क्या, देखो ये माइनस साइन है ना बेटा, तो माइनस टू इंटू वाई माइनस टू वाई एंड माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू, वो डिनोमिनेटर की गलती है, इसको सही कर देते हैं, थ्री लिखा लिखना था नीचे, अपने वन लिख दिया, तो ये हो जाएगा, क्या गलती हो जाएगी, माइनस थ्री वाई हो जाएगा यहाँ पे एक तो,
इधर हो जाएगा एक तो माइनस का 3y और प्लस 3 हो जाएगा, राइट। अब 3y माइनस 3y कट गया नीचे डिनोमिनेटर में, और बचा क्या माइनस 2 प्लस 3 1, तो y डिवाइडेड बाय 1 y, और ये हो गया हमारा fx, यानी कि रेंज का रिप्रेजेंटेटिव, और ये हो गया हमारा y जो कि कोडोमेन का हो गया रिप्रेजेंटेटिव। क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देंगे, सो द फंक्शन इज ऑन टू, तो 1-1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, दोनों है बाइजेक्टिव है मतलब ये फंक्शन, ठीक है, क्लियर है। अभी अपन देखो फोर्थ एक्सरसाइज में सीखेंगे फंक्शन का इनवर्स निकालना, एक हिंट दे देता हूं, फंक्शन का इनवर्स निकालना और फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करना तभी पॉसिबल है जब फंक्शन बाइजेक्टिव दोनों होंगे, तो ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर मान लो दोनों में से कोई भी कंडीशन फेल होती है तो हम उसकी इन्वर्टिबिलिटी की प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं करेंगे, पहले लिख देंगे कि इनवर्स मौजूद ही नहीं। ओके चलो, हो गया एक तरीके से एक्सरसाइज तो हो गई। अब फटाफट से ये छोटे छोटे क्वेश्चन से इनको भी देख लो। देखो लेट एफ इक्वल टू आर टू आर बी डिफाइंड एज एक्स टू द पावर फोर। देखो जब भी पावर इवन है तो ना तो 1-1 है ना 2-2 है, सिंपल सी बात है। हाँ आर टू आर होना चाहिए, अगर ये आर टू आर से चेंजेस कर लेते हो आप नेचुरल नंबर कुछ अपना मतलब एक तरीके से मॉडिफाइड डोमेन को डोमेन देते हो अपनी मर्जी का देते हो तो फिर तो कुछ भी हो सकता है, फिर मैं नहीं कह सकता। बट अगर जनरल रियल नंबर टू एनी रियल नंबर है तो इवन नंबर वाले सारे जो होंगे ना तो 1-1 होंगे ना ऑड, और अगर ऑड नंबर वाले हैं तो फिर 1-1 तो होंगे बट ऑन टू तो वो फिर भी नहीं होंगे, यही सीखा था हमने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ इज नीदर 1-1 नॉर ऑन टू। आप देख सकते हो भाई किसी का स्क्वायर करते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर करते हैं और माइनस 1 का स्क्वायर करते हैं तो सेम आता है, तो पावर 4 करने का मतलब क्या है, इसके स्क्वायर का भी स्क्वायर कर दो, तो जब स्क्वायर ही सेम आ रहा है तो स्क्वायर का स्क्वायर भी सेम ही आएगा। ओके ऑब्वियसली, ठीक है ना। ओके चलो, तो इसका आंसर एफ इज नीदर 1-1 नॉर ऑन टू, और यहाँ पे 3x से कोई भी बता देगा कि 1-1 भी है और ऑन टू भी, लीनियर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रियल नंबर टू रियल नंबर होना चाहिए, नेचुरल फैचुरल कर दो तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो इसका आंसर डी, इसका आंसर एक बार मैच जरूर कर लो करेक्ट है ना पीछे, तो फिर अपन वाइंड अप करें। चलिए तो दैट इज इट, टाइप्स ऑफ फंक्शन हमारे यहाँ पे खत्म होते हैं। थर्ड टॉपिक है कंपोजिशन, और ये है ना कुछ कटा थोड़ी ना इसमें से, ठीक है लास्ट ईयर ये वाला टॉपिक कट गया था इसलिए पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो कल से अपन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।